सूरत की सबसे फेमस आलू पूरी रांदेर में मिलती है और रांदेर में सबसे ज्यादा जो है फेमस वो है खालिद भाई की आलू पूरी। 37 सालों से गाइस ये यूं ही बनती चली आ रही है। गाइस इस ठेले पर बिकने वाली आलू पूरी का दाम सिर्फ 20 रुपए है और ये सुबह 7 बजे ठेला स्टार्ट होता है और 11 बजे तक बिल्कुल फिनिश्ड हो जाता है। मॉर्निंग में लोग यहाँ नाश्ते के लिए यहाँ पर दूर दूर से आते हैं। तो गाइस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर से देखिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा लीजिएगा और बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लेना। तो चलिए गाइस हम पहले बात करेंगे, उसके बाद आलू पूरी कैसे बनती है वो दिखाएंगे। आप बताइए कि ये शॉप जो है वो आपकी कितने साल पुरानी है? 37 ईयर ओल्ड है हमारी ये, और आलू पूरी की शुरुआत ही हमने की। अच्छा, आलू पूरी की शुरुआत आपने सूरत में आप लोगों ने ही की है और ये इसलिए सूरत में सबसे ज्यादा रांदेर की फेमस है और रांदेर में भी खालिद भाई की आलू पूरी फेमस है। क्या बात है। तो चलिए हमें बताइए बना कर की बनती कैसे और इसमें क्या क्या डाला जाता है? इसके अंदर मटर होता है। अच्छा, ये आलू मटर की सब्जी है। अच्छा, पूरी है, कोकम की चटनी आएगी, मिर्ची की चटनी आएगी और ऑनियन आएगा। ओके, हमारी वीडियो हम बनते हुए देखेंगे आलू पूरी कैसे बनती है। गाइस कुछ आलू पूरी मैदे की पूरी को मशीन के जरिए ठंडे तेल में डालकर निकाल लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं होता, इसे नॉर्मल तेल में फ्राई करके बनाते हैं। आलू और मटर की सब्जी उस पर डाली जाती है और उसके ऊपर कोकम की खट्टी मीठी चटनी डाली जाती है और गाइस स्वाद अनुसार आपको इसके ऊपर हरी मिर्च और पुदीने की चटनी लगाई जाएगी। आखिर में इस पर गाइस अनियन डाला जाएगा और अगर आपको चीज वाली आलू पूरी खानी है तो इसके ऊपर चीज क्रश करके डाला जाएगा। टेस्ट के मामले में ये आलू पूरी पूरे सूरत में सबसे ज़्यादा फेमस है। तो आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरी ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना।